इसके बाद पूरा बारिश होने लगा, तो वहां से आके हम पहाड़ में छुप गए थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, हम आज रनिंग करके आ गए हैं और सारे एक्सरसाइज कर लिए, और अभी फिलहाल 6:39 हो रहा है। तो गाइस, आज हम खुश हैं क्योंकि आज बारिश भी हो गया, और जब हम रनिंग कर रहे थे तभी बारिश हो गया, और रनिंग करने में आह क्या मज़ा, बहुत मज़ा लगने लगा। और इसके बाद पूरा बारिश होने लगा, तो वहाँ से आके हम पहाड़ में छुप गए थे। और उसके बाद अभी जस्ट आ रहे हैं घर, तो अभी निकलते हैं फूल लाने के लिए। फाइनली गाइस, हम पहुँच गए हैं जहाँ से हम फूल लेते हैं, तो चलते हैं फटाफट फूल लेंगे। और आज हम अकेले आए हैं, आनंद को कुछ काम था, और फिलहाल अभी धूप बहुत ज़्यादा किया है, तो हम इतने दूर आने में पसीना छुड़ा दिया, और झोला भी ले लिए हैं। तो देखिए मौसम अभी कैसा किया है, देखिए धूप कितना कड़ा है, बाप रे। और बारिश हुआ है, देखिए लग रहा है बारिश हुआ है, सूख गया ऐसा धूप किया है कि। तो चलते हैं फटाक से फूल तोड़ लेते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा की, जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा गर्मी लगेगा और धूप भी बढ़ेगी। पहले लाल फूल से ही स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद और फूल तोड़ेंगे। देखिए झोला, देखिए कितना अच्छा है, इसमें इतना तोड़ लिए, और भी तोड़ते हैं अभी। फाइनली गाइज, रेड वाले अड़हुल को तोड़ लिए हैं, अब व्हाइट वाले अड़हुल को तोड़ते हैं। तो इधर देखिए, इसमें डाल दिए ये झोला, आज मस्त झोला लग रहा है, गुलाब फूल वाला झोला है, मतलब चित्र बना है। तो फटाक से तोड़ते हैं व्हाइट वाले अड़हुल को। आज कुछ कम फूल लग रहा है, कल जितना था उतना नहीं है, कल ये सब में पूरा भरा हुआ था। खैर आज भी कम नहीं है, फूल ले जाने लायक काफ़ी है, यही है कि कोई यहाँ पर तोड़ता नहीं है, यही मनाओ, तो नहीं तो हमको फूल मिलता भी नहीं। तो गाइस, यही गली से निकल जाते हैं रोड तरफ, उधर से क्या घूमेंगे, इधर से नज़दीक पड़ गया इसलिए इस तरह से ही निकल जाते हैं। और देखिए कितना अच्छा सीन भी आ रहा है ना, इस साइड आपको दिख रहा होगा, ये कंक्रीट नहीं है, ये मिट्टी का है, लेकिन कितना अच्छा तरीके से किया गया है, देखिए सॉलिड सीन है। यहाँ पर अपना साइकिल स्टैंड कर दिए हैं, और इधर से ये नज़दीक रहे ना, इधर से होकर चले गए थे और उधर से होकर निकल गए हैं। तो फटाक से सबको टांगते हैं और पीला फूल के लिए चलते हैं, कंडेल, पीला कंडेल, और इसको इस साइड धर लेते हैं, और इधर से ही निकल जाएंगे सीधे अंदर से होके, फिर एक घर से होके जाना होता है, घर में जाएंगे और उधर से निकल जाएंगे। देखो तो चाबी डलवे नहीं किया, गाड़ी साइकिल को आगे करने लगते हैं, कहाँ से होगा, हमारो मन पलाई ले रखता है, कहाँ बताएँ। चल बसंती, यहाँ पे साइकिल लगा दी, अब इधर से होके चलते हैं। साइकिल को बाहर लगा दिए हैं और अभी फ़िलहाल हम इधर जाते हैं, इधर वो जो आपको वृक्ष सब दिख रहा है ये जंगल नहीं है, बस थोड़ा सा एक दो घास है, उसके बाद खेत है, खेत पास करेंगे इसके बाद फूल मिल जाएगा। और हम साइकिल अपना उधर लगाएं, देखिए जैसे उधर झोपड़ी दिख रहा है ना, उधर ही लगाएं। तो चलते हैं, देखिए जंगल है नहीं ना, बस साइड साइड लगा है घास उछ, और उसके बाद खेत है। इधर पानी लेट से पड़ा ना, जिसके कारण इसमें कुछ नहीं रोपा जा गया है, नहीं तो पिछले साल हम आए थे तो इसमें लहर गांच था, वैसे ही कुश जमा, कुश जम गया है, खतरनाक होता है, हाथ ऐसे पास करने पे कट जाता है। बस इसको पास करते हैं, फिर इसके बाद हमारा मंजिल आ जाएगा, बोले तो पीला कंडेल जो हम लेते हैं वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। बस यही लास्ट 10 कदम, तो फाइनली हम आ ही गए वहाँ पे। देखिए कंडेल वो जो गांच दिख रहा है वहाँ पे, वो पीला कंडेल है, देखिए शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं है हमारा, जो हम जूम कर दिए जो दिख जाएगा। चलिए हम आपको पास होके दिखाते हैं, और इसके बाद फटाफट हम ये फूल तोड़ते हैं, और उसके बाद और एक जगह हमको जाना होगा, उसके बाद कम्प्लीट, उसके बाद घर चले जाएँगे। देखिए है ना, यही वाला फूल, पीला वाला, देखिए तो फटाक से तोड़ते हैं अब। ये पानी पड़ा है ना, मज़ा आता है, इसे हाथ पे गिरता है ना, हाँ, आनंद ही आनंद, बहुत अच्छा लगता है पानी जब गिरता है शरीर पे। तो
वैसे तो मोबाइल रख लेते हैं और उसके बाद जब तोड़ते हैं ना, शरीर पे गिरता है तो और अच्छा लगता है। मोबाइल लिए हैं इसलिए हम आपको उस तरह नहीं दिखा रहे, क्योंकि मोबाइल में चला जाएगा मेरा वाटरप्रूफ मोबाइल है नहीं, ख़त्म हो जाएगा जो हो है। फाइनली गाइस यहाँ पे सारे फूल तोड़ लिए हैं, यहाँ 4 से 5 गाँच है, तोड़ने में अच्छा वक्त लग गया, अकेले है ना, आनंद आया था कल तो फटाफट टूट गया था, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। तो अब निकलते हैं घर, वहाँ पे जाएंगे साइकिल ले लेंगे और इसके बाद और एक जो हमको जाना है लास्ट। फाइनली गाइस यहाँ पर भी फूल तोड़ लिए हैं, इधर देखिए कुछ कुछ ऊपर में बचा है, उतना ऊपर मेरा हाथ नहीं जुट पाया, देखिए इतना हुआ है। तो अब निकलते हैं घर, अभी साइकिल हम उधर लगाए हैं, देखिए इस रास्ते से होकर आए हैं, वहाँ बाहर उस साइड रोड है वहाँ पे साइकिल लगाए हैं। तो फाइनली गाइस सारे जगह से फूल तोड़ के और पहाड़ हम पहुँच गए हैं, तो इधर के पीला वाला कंडल और रेड और वाइट वाला अड़हुल और यहाँ पर कुछ फूल। तो गाइस पूजा अभी तो स्टार्ट नहीं होगा, पूजा दोपहर के बाद होगा, तो गाइस हम चलते हैं घर। तो फाइनली गाइस घर आ गए और नहा भी लिए हैं, गाइस आज फूल तोड़ने बहुत लेट हो गया क्योंकि हम अकेले थे, 3 घंटा लग गया, 3 जगह फूल तोड़ने गए, सोचिए तीनों जगह 1-1 घंटा लग गया, 1, 2, 3, 3 जगह 3 घंटा, क्या यार लाइट अभी जाना था तुमको। तो वहाँ से तो आ गए गाइस, अभी फिलहाल चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो गाइस हम मंदिर आ गए हैं पहाड़ वाले जहाँ पे हम फूल देते हैं, अभी 6:30 बज रहा है, तो आज भी गाइस आरती हो गया है, कल आए थे लेट से तो बोला आनंद अभी जस्ट तुरंत आरती हुआ, और आज सवेरे आए थोड़ा कि 6:30 बजे ले, तो आज भी आरती हो गया, हमको फुर्सत ही नहीं मिला आने का, आज पूरे काम था। तो गाइस पूजा हो गया तो आपको दिखाते हैं, इधर देखिए जय भोलेनाथ। तो गाइस आज देखिए ज़्यादा फूल है तो कितना अच्छा तरीके से सजाया गया, बहुत अच्छा लग रहे हैं मेरे भोलेनाथ, देखिए इधर और उधर भी देखिए कितना अच्छा सीन आ रहा है देखिए। तो आप लोग लिखिएगा हर हर महादेव, क्लोज करके ले जाते हैं देखिएगा, इधर से और इधर देखिए, और ये रहे नंदी महाराज, और यहाँ पे माता पार्वती है, यहाँ पे फूल भी यहाँ पर भी सरियाया गया है। ये पूजा जो होता है ना गाइस, एक मिनट आपको बताते हैं, ये पूजा जो होता है ये शंकर भगवान का अभिषेक, ये 12 बजे के बाद बोले तो 1-2 बजे ले स्टार्ट होता है, और उतना सुबह हम फूल लाते हैं 10 बजे फूल ला देते हैं, और 2 बजे पूजा स्टार्ट होगा तो क्या होगा फूल का हाल है इतना धूप में, इसलिए सब फूल मुरझा जाता है, नहीं तो फूल देखने में इतना अच्छा लगता है ना कि मन मोहित हो जाएगा आपका, लेकिन क्या करिएगा ये पूजा शाम में ही होता है बोले तो दोपहर के बाद होता है इसलिए फूल मुरझा जाता है, वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी फिलहाल चलते हैं आनंद से प्रसाद ले लेंगे, कल और सवेरे आएंगे, क्या कर सकते हैं पता नहीं, हमारा आज भी भाग्य में नहीं था आरती लेना। खैर यहाँ पर नाम कर लिए भोलेनाथ का और माता पार्वती का, और उधर गणेश भगवान और पुंसोत्तम हनुमान का, तो चलते हैं आनंद से प्रसाद ले लेते हैं। तो फाइनली गाइस घर आ गए और प्रसाद सबको दे दिए और खाना भी खा लिए, तो गाइस अब चलते हैं सोने के लिए और ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।